प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमंदा मुसलमान को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि पसमंदा मुसलमानों को लेकर हमेशा से राजनीति हो रही थी और उन्हें सरकारी योजनाओं में कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्हें लगातार दरकिनार किया जा रहा था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और ओवैसी हों या तमाम विपक्षी पार्टियाँ हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी, RJD, वो तमाम लगातार हमलावर हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। इस बाबत हमारे साथ यहाँ पर पसमंदा समाज के कई महिलाएं मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैडम अपना नाम बताइएगा। फरहा रिज़वी। फरहा जी, ये बताइए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया है मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में, उन्होंने भोपाल से जो मैसेज दी कि पसमंदा मुसलमानों के साथ हमेशा से उन्हें दरकिनार किया गया है सरकारी योजनाओं में, हमेशा से वो राजनीति के शिकार हुए, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? मैं प्रधानमंत्री जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पसमंदा मुसलमानों को सिर्फ कारीगरों के तौर पे यूज़ किया गया, उनसे काम, मेहनती काम किया उन लोगों ने, लेकिन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस तरह से पसमंदा समाज के लोगों को जागरूक किया गया, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने 3 तलाक को लेकर भी कहा है, आपने प्रधानमंत्री का भाषण पूरा सुना होगा, 3 तलाक को लेकर भी उन्होंने कहा कि 3 तलाक जब बिल वो लेकर आए उस दौरान कई पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि 3 तलाक लागू किया जाए, तो 3 तलाक से क्या क्या फ़ायदा है? पहली चीज़ तो ये कि एक औरत अपना घर छोड़कर दूसरा घर बसाती है और पूरी ईमानदारी के साथ उस आदमी के साथ निभाने की कोशिश करती है, और उसी औरत को अचानक किसी बात पे 3 बार तलाक बोल दिया और वो औरत को घर से निकाल दिया, क्या ये जायज़ है? ये बिल्कुल गलत है। और प्रधानमंत्री जी का जो फैसला था 3 तलाक को रोकने का, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और महिलाओं के हित में उन्हीं ने जितने भी फैसले लिए हैं वो सब बहुत सराहनीय हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या राजनीति होती है पसमंदा मुसलमान, पसमंदा समाज को लेकर हमेशा से पार्टियाँ करती रही हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और राजनीति होती है और मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। चुनाव के टाइम पे मुसलमान के साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं पसमंदा समाज के लोगों के साथ कि उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके लिए अच्छा किया जाएगा, लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद वो सारे वादे ख़त्म हो जाते हैं और वो लोग सब गायब हो जाते हैं। सब गायब हो जाते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आमिर अहमद है। आमिर भाई, ये बताइए, प्रधानमंत्री का आपने भाषण पूरा सुना होगा, उनके भाषण से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या पसमंदा समाज के साथ हमेशा से राजनीति हुई है? नहीं, पसमंदा समाज तो देखिए वो समाज है जो मुसलमानों में पिछड़ा है, और ये पिछड़ा कब से है, ये 70 सालों से पिछड़ा हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेसों की सरकार रही है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि जो वो पिछड़ा रहा है वो उन्हीं के पीरियड में रहा है, तो मुसलमान हमेशा वोट बैंक रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, सबने एक बार वोट दिया पर उनके साथ कुछ भी नहीं किया। आप देख ही सकते हैं एजुकेशन में पीछे हैं आप, सोशली वो पीछे हैं, गरीब हैं, तो आज BJP जो है उनको मुख्यधारा मिला रही है और उनको सबके साथ जो सबकी जो फैसिलिटीज़ बाकी समाज को मिल रही है वो मुसलमानों को मिल रही है, और ये पहली बार हो रहा है इतिहास में। अब इसमें कोई कुछ भी बोले, तो सरकारी योजनाओं में फ़ायदा हो रहा है पसमंदा मुसलमानों का? जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद शफीक सलमानी है और मैं भी पसमानदा समाज से ही आता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कीम है सब काबिले तारीफ़ है, और उनके जो 9 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने गरीब कल्याण और सेवा सुशासन के मौके पर इस तरीके की जो बात कही है ये वाकई में काबिले तारीफ़ है, और अब का मुसलमान इतना जागरूक हो गया है कि वो अपना अच्छा और बुरा जानता है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको वो समझ रहा है कि उसके लिए कितनी लाभकारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी और जो लोग विपक्ष लोग आरोप लगाते हैं और इस तरीके ओवैसी ने सीधे सीधे हमला किया है, ओवैसी ने कहा है कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री वो जायज़ नहीं है। देखिए मेन चीज़ ये है कि अब जाहिर सी बात है विपक्षियों को कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ही बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, तभी वो अपने समाज के लीडर कहलाएंगे। और जहाँ तक माननीय मोदी जी की बात करी जाए, उन्होंने जितने विस्तार पूर्वक अपनी देश की जनता को मतलब स्कीम दी हैं, चाहे आप बात करिए राशन की, तो राशन का जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है वो मुसलमानों को हुआ है, उसके अलावा जितनी भी और तमाम स्कीम हैं चाहे किसी सेक्टर में आप जा कर के देख लीजिए, राशन के अलावा जो उज्ज्वला गैस योजना है और भी तमाम इतनी स्कीम चल रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जैसे कि 12 रुपये की जो बीमा योजना चलती है उसके बारे में मुसलमान लोगों को
पता ही नहीं होता, तो वो थोड़ा सा हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि हम उन योजनाओं का भी लाभ ले पाएं जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। जैसे ही प्रधानमंत्री का यह बयान आया उसके बाद ओवैसी ने पलटवार किया उस पर, ओवैसी के बाद आरजेडी ने भी पलटवार किया, कांग्रेस ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को अगर यूसीसी बिल लाना है तो सदन में पटल में लेके आए, जो कहना होगा हम पटल पर कहेंगे सदन में कहेंगे। इन सब पे आप क्या देख किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ओवैसी जी को हम लोगों ने टीवी पे ही देखा है और हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश में उनका धरातल पे कोई भी ना वोट बैंक है ना लोग हैं, वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं और उनका काम ही है हर बात हर चीज़ को काटना, और हर चीज़ को काटना जायज़ नहीं है। उनसे भी एक बात पूछिए कि क्या कभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में आके उन्होंने कोई काम किया है, किसी को कभी लाभ दिया है? आज प्रधानमंत्री है या हमारे मुख्यमंत्री जी के जो स्कीमों का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, आज वो उस पर कुछ भी बोले, उस पर कोई पलटवार करे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। तीन तलाक को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा हुआ है, तीन तलाक के जो लोग शिकार हुई थी, और साथ ही साथ उन्होंने हमला बोला विपक्षी पार्टियों को जिन्होंने सदन में इसको रोकने की कोशिश की थी, जो इसके विपक्ष में थे इस बिल के, आपको तो आपके सहयोगी कोई साथी इस तरीके से तीन तलाक से? हाँ जी, आपका जो सवाल है उस पर मैं बोलना चाहूँगी कि ये तीन तलाक मुद्दा कभी भी इस पर फोकस नहीं किया गया था, ना इसका कोई सपोर्टर रहा है। हमेशा से मुस्लिम समाज में ये रहा है कि औरतें जो होती थी वो शादी करने करके आत हो जाती थी, लेकिन इनसिक्योर अपने आप को फील करती थी कि ये हम मुस्लिम समाज में, हालांकि ये गलत है, लेकिन उनकी एक टेंडेंसी बन गई थी कि हम तलाक दे के इनसे तीन बार कह के कभी भी फ्री हो सकते हैं। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्कीम तीन तलाक का है, इससे औरतों में इंकरेजमेंट बढ़ा है और इससे वो अब अपने आप को सेफ समझती हैं, और उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो जो विमेंस लाइन है 1090 का वो उस पर जाती हैं, हेल्प लेती हैं, और बहुत डर के अपने घर में ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो इससे उनको बहुत सपोर्ट भी मिला है, इंकरेजमेंट भी बढ़ा है, और ये जो भी है बहुत अच्छा, जो कभी नहीं हुआ था इन 70 सालों में, ये मोदी जी की वजह से ये हम मुसलमान समाज की औरतों का बहुत बड़ा फेवर एंड पिलर्स। आपकी कोई जानकार जो तीन तलाक की शिकार हुई है, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई? हाँ, जब हाँ, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, पसमंदा समाज की कोई महिला जी जो तीन तलाक की शिकार हुई हो? हाँ, मेरे घर में, इनफैक्ट मेरे ही घर में हुआ है, मेरे रिलेटिव्स में हुआ है कि उनको कुछ ऐसा चल रहा था कि उनको घर से मार पीट के निकाल दिया गया था और उनको कोई ना पैसा मेंटेनेंस कुछ नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इसके आने के बाद उन्होंने अपना हक मांगा, अपना दायित्व मांगा और हस्बैंड से, उन ससुराल वालों से अपील किया, उस पर इतना फ़र्क पड़ा कि उनको मतलब ये आप समझ लीजिए जो सोचा नहीं था कि कम बैक टू होम, वो अपने घर जाके अपने हक से जाके रह रही हैं। और ये भी जितने भी ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, स्पेशली जो लोग उसमें पासमंदा से आते हैं, उनको ये खौफ तो ज़रूर हो गया है कि हम अब ऐसा कोई भी काम ना करें, और करेंगे तो हमारे लिए इसके लिए क्लेम होगा, एक एक्शन लिया जाएगा और इसका हमारे ऊपर बहुत भारी वो पड़ सकता है, भारी जुर्माना पड़ सकता है, भारी दिक्कत आ सकती है। पसमानदा मुसलमान को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा वो आपने सुना? जी जी, सुना तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई में राजनीति होती थी पसमानदा मुसलमानों के साथ? तो पहले से ही राजनीति होती चली आ रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है उनको पिछड़ा समझा गया है। हमेशा जितनी भी पार्टियाँ आई अभी तक, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RLD, जितनी भी पार्टियाँ आई हैं, वो सब मुसलमानों के साथ छल करने का काम किया है इन्होंने। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो आज बयान दिया है मेरा बूथ सबसे मजबूत वाले कार्यक्रम में, बहुत ही अच्छा, मतलब सपोर्ट किया है हम लोगों का पसमांदा जी। बिल्कुल, किस तरीके से देखते हैं ओवैसी का जो पलटवार आया प्रधानमंत्री के बयान पर? ओवैसी का देखिए, ओवैसी का जो भाषण उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो दे रहे हैं, ये माइनॉरिटी हो या पसमांदा समाज हो, सबको बरगलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी का काम यही है, और ये ओवैसी जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अगर मुस्लिम समाज इनका अगर भाषण पे ध्यान देगी तो ये स्थिति बहुत बुरा हो जाएगा। और उसका रही बात सपा बसपा की, तो 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, माइनॉरिटी पसमांदा समाज के लिए जो भी योजना हो, चाहे उज्ज्वल हो, चाहे ये गरीब का आवास भी हो या राशन हो, जो भी आ रहा पसमांदा समाज के लिए बहुत बढ़िया ये खबर है।
और इससे लोग जुड़ रहे हैं बाकायदा ठीक ठाक 2024 में माइनॉरिटी जो है भाजपा को वोट करने जा रही है, भाजपा को वोट करने जा रही है। ये बताइए आप मुझे, आप कितने लोग आपके जानकारी में होंगे, आपके जान पहचान में होंगे पसमांदा समाज के, जिनको सरकारी स्कीमों का फायदा मिला, जैसे घर मिल गया पीएम आवास योजना के तहत, और भी जो तमाम दूसरी स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, अब उससे फायदा मिला, कितने लोग होंगे ऐसा? देखिए हम लोग बेसिकली कई जगहों पर जा करके, अभी जैसे कि हम श्रावस्ती गए थे तो वहाँ पर भी जो लोग हमें वहाँ मिले तो उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी स्कीम चल रही है उसके बारे में बताया कि उनको क्या क्या लाभ मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छा मैसेज भी है जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि अब 2024 में फिर से उनको जनता लाना चाह रही है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ विपक्ष की एक बैठक भी हुई है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा, अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा, और जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो पटना में बैठक उस पर भी पलटवार किया है प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे इसमें? आप ये देखिए विपक्ष की घबराहट सामने आ रही है, आज उन्हें लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी से या भाजपा की जो पॉलिसी है उससे वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आज वो इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा चाहे जितना भी हो जाए मगर पब्लिक तो जागरूक है ना, उसको पता है। आज मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, तो ये तीन तलाक से मैं बहुत नफरत करता था पहले से, और आप ये देखिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, अभी प्रधानमंत्री जो है इजिप्ट होके आए थे, ये प्रथा बहुत सालों पहले, मतलब 85 साल पहले वहाँ ख़त्म कर दी गई है, तो हिंदुस्तान में क्यों करी जा रही थी? और मैं आज अपनी बेटी को कौन सा भविष्य दे के जाऊँगा? आज कम से कम मुझे भी सेफ्टी महसूस होती कि कल को ऐसी कोई चीज़ उसके साथ नहीं हो पाएगी। तो ये जब से ये फैसला आया था, सदन में पास हुआ था, तभी से सारे समाज बहुत खुश है। अब इसमें कोई भी राजनीति करे वो अपनी राजनीति उसकी चमक नहीं सकती, वो चमक नहीं सकती। हमारे साथ पसमांदा समाज के और एक शख्स, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैज। फैज साहब ये बताइए आप मुझे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया कि तीन तलाक जो हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे सीरिया हो, इजिप्ट हो, इन तमाम देशों में तीन तलाक बहुत पहले हटा दिया गया था, और जब अभी कुछ साल पहले जब तीन तलाक का बिल सदन में पेश किया जा रहा था, यहाँ कई मौलाना थे, कई विपक्षी पार्टियाँ थी जो इसका विरोध कर रही थी, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए जो इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तीन तलाक का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, और किसी भी तरह में या इस्लाम में जो है तीन तलाक को लेकर नहीं है, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कुछ मौलानाओं ने अपनी जो है दुकानें सजा रखी हैं तीन तलाक के मुद्दे को लेकर, जो है अपनी दुकान सजा रहे हैं, और अब और मुसलमानों को बाकी विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो वोट बैंक बना के यूज़ कर रही हैं, वोट बैंक बना के यूज़ कर रही हैं। और मैडम एक आखिरी सवाल, कोई आपके जानकार में कोई तीन तलाक का शिकार हुई है महिला? जी कई महिलाएँ ऐसी हैं हमारे जानकारी में जो तीन तलाक का शिकार हुई, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी की जो इन्होंने कैंसिलेशन कहा कि तीन तलाक पर अब नहीं, इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें से दो महिलाओं ने उसका विरोध किया और आज वो अपने घर पर सकुशल बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो ओवैसी का बयान है, पलटवार जो ओवैसी ने किया है, जो विपक्षी पार्टियों ने किया है, उसमें से सबसे मजबूत बयान किसका लग रहा है आपको? देखिए ओवैसी जी का तो ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 14 साल की बच्ची की शादी के लिए ऑब्जेक्शन किया तो भी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बोला, मुसलमानों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, और मैं प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करती हूँ, हम सारी महिलाएं मिलकर सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितनी भी इस तरह की नीतियाँ हैं मुसलमानों के लिए उसे ख़त्म किया जाए और महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिला और सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हों महिलाएँ, बस आत्मनिर्भर हों महिलाएं, बस यही लखनऊ के चाहे पुरुष हों, पसमांदा समाज के चाहे महिलाएं हों, उनका ये साफ साफ कहना है कि महिलाएं या पुरुष पसमांदा समाज हो वो आत्मनिर्भर हों, और जो सरकारी स्कीम है वो पहुंच रही है पसमांदा समाज तक, और जो विपक्षी पार्टियां चाहे ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, RLD हो, RJD हो, ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, वो केवल एक वोट बैंक की तरह, इन लोगों का कहना है कि केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है मुसलमानों को। वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।